लीजिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण मुकाबला दूसरे राउंड का हिसार बदाम सोनीपत। अटावला की इस पावन पवित्र धरा से मैं गजानन फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ बेहतरीन कवरेज देकर। और सोनीपत से हमारे साथ संजीव जी अलाउद जुड़ते हुए आपको बता दें कि संजीव जी अलाउद के बेटे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। लेकिन इस वक्त कबड्डी देख लीजिएगा बोनस के साथ टच पॉइंट इस समय सोनीपत का। संजीव जी अलाउद प्रसन्न दिखाई देने लगे हैं शुरुआती समय में, जो अच्छी शुरुआत इसमें की है। इशार की टीम को भी कम आंकना महंगा पड़ सकता है। बोनस से शुरुआत इधर हिसार ने 2-1 का स्कोर। सोनीपत बनाम हिसार अपने कौशल से बीट करने की कोशिश हो नार बेटियां दो जिलों के। और इस वक्त जबरदस्त कैच किया है बेहतरीन लाजवाब डिफेंस। 2-2 से स्कोर लेवल। हिसार बनाम सोनीपत आखिर जीत किसकी होगी कहना मुश्किल। शुरुआती समय खेल का सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 हरियाणा राज्य स्तरीय। तराजू की तरह बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर। और यहां देखिए खेल फिर से रोमांचक होने लगा है। बढ़त पे पहली बार हिसार, हिसार 3 सोनीपत 2। मामूली ही सही एक लीड के साथ साथ मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलता है। और शानदार ऑफ सेटिंग रही है यहाँ, चाहे ज्योति की बात करें या फिर सुमन जी की या फिर विकास शर्मा के बीच में चलती हुई देखने को मिला, चाहे डिफेंस की बात हो चाहे ऑफेंस की बात हो। एक रन पीछे, एक रन से वापस बढ़त पे हो सकता है। अभी तक का जो स्कोर है ये शानदार है। और स्कूला टीम के खिलाड़ियों के द्वारा सुक्षिति वापस लौटे 13-5। गलतियों से बचने की कोशिश टीम के पक्ष में अभी तक का स्कोर दोनों ही एंगल 13-5। करनाल से भी बड़े संघर्ष के साथ मैच जीता, से भी वही पुनरावृत्ति। और पंचकूला के साथ ये मुकाबला चला। मुझे लगता है पंचकूला ने भी बिल्कुल पलटवार करना शुरू कर दिया। डूडाई आएगा, पंचकूला टीम भी इस गेंद को फोर करने का प्रयास कर रही है। फाइव स्टार करो मरो की स्थिति, टच पॉइंट कॉर्नर से आखिर मिल गया बढ़त हिसार की कायम है, इसलिए दबाव सोनीपत पे। सोनीपत का सुरमा यहां हिसार के अंगना में फंस गया। अब देखिए 6 पे पहुंच गया है, माफ कीजिए 5 पे। और ये छठांक जोड़ दीजिए, गलतियां लगातार दोहराता वार ऑल आउट का खतरा इसलिए आ गया है सोनीपत पे। डी लाइन को छूकर शेफ वापिस, कोई अच्छी निशानी नहीं ये शेफ वापस जाना, क्योंकि पीछे कोर्ट पे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी। 2 के डिफेंस में टेकल करना बेहद कठिन चुनौती समय सोनीपत के लिए। अंक गंवाए तो फिर ऑल आउट होना लगभग तय है। सेल्फ आउट और यहाँ चौका लगा दिया है, फुर्ती से हवा में गोता लगाया, ऑल आउट के साथ ही 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ ईशा। लाजवाब मुजाहिरा, तारीफ करनी होगी। 4 मिनट के खेल में ऑल आउट किया और यहाँ एंगल होल्ड लाजवाब। 11वां पॉइंट अब ईशार के अंगना में। सोनीपत रन अंडर प्रेशर और यहाँ गलती की है, 1-2 अंक गंवाए हैं शायद। जी हाँ 2 पॉइंट। अब सोनीपत के लिए वापसी करना मुश्किल और कठिन साबित होगा। सेकेंड राउंड के मुकाबले हैं, आपको बता दें दोस्तों होनार बेटियां हरियाणा प्रदेश की एक प्रतिभा का प्रखर और मजबूत बनाने के लिए। देखिए राज्य स्तरीय इस चैंपियनशिप में 22 जिलों की बालिकाएं यहां पहुंची हैं। कल यहां सेमीफाइनल फाइनल होने बाकी हैं, तो देखना ना भूलें। एक के बाद एक बेहतरीन मुकाबले
आखिर किसके सर पे होगा ताज? पकड़ जरूर पांव पे थी लेकिन मजबूत नहीं, इसलिए लक्ष्य तक पहुंची दो पॉइंट लेकर। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, जो जो परछाइयां लंबी, इसलिए खेल का भी रोमांच बढ़ने लगा है। सेफ वापस समय बिताता। 14-5 का स्कोर। सोनीपत शेल फाउटे खिलाड़ी तोहफे के रूप में एक अंक सोनीपत को। सरकी नागरी जंतर वाइन सेक्शन में वाद वर्सिज में जगह गरु सेक्शन चारों टीमों से नवोदा अपने आप को तैयार। 14-6 का स्कोर और यहां 15वां पॉइंट जाएगा हिसार को। गलतियों का सिलसिला जारी है, इसलिए दबाव सोनीपत के ऊपर कायम। ज्यादा आगे चले गए और इसलिए फायदा डिफेंडर ने उठा लिया। हालांकि एक एक अंक दोनों टीमों को बाहर भेज दिया डिफेंडर और राइडर को। सही फैसला विकास जी शर्मा का। बोनस इसके साथ ही हाफ टाइम। सेकंड हाफ लीजिए। 17-7 का स्कोर, 10 अंक की बढ़त हिसार के पास। इसलिए दबाव सोनीपत पे। दाया हाथ आगे बढ़ाया टच पॉइंट की कोशिश, लेकिन समय बिताने की फितरत लाजमी स्वाभाविक। 10 अंक का फासला ज्यों का त्यों, जोखिम उठाने की आवश्यकता सोनीपत को। एक अंक यहां कॉर्नर से खोज लिया और ये कैच करने की कोशिश। 8-17 लेकिन इधर से एक से बढ़कर दो गलती दोहराई बीच मैदान पर। 18-8 10 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों। और ये देखिए एक आसान अंक, 9 पे पहुंचता हुआ। जितना स्कोर सोनीपत का उतनी बढ़त हिसार के पास। 9-18 का स्कोर, डाल डाल सोनीपत तो पान पान हिसार। और यहां बड़ी रेड हो सकती थी मगर वापस खींच लिया। अच्छा कार्य करता सोनीपत, दहाई अंकों में 10 में पहुंचा। दूसरे हाफ में थोड़ा सा अग्रेसिव खेल के मूड में है सुपर टेकल में हिसार इस वक्त, और देखते हैं क्या वापसी कर पाता है सोनीपत। ऑल आउट यदि कर पाएगा तो फिर वापसी बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। समय को ध्यान में रखते हुए वापस सेफ लौटी सोनीपत की प्रतिभावान बालिका। एक नंबर जर्सी मैच में और ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन बाहर जाना होगा 3 नंबर को। एक नंबर के सामने 4 का डिफेंस, सुपर टेकल से बाहर आता हुआ हिसार। 19-10 एक बड़ी रेड चाहिए ताकि डिफेंस को कमजोर किया जाए हिसार का, फिर वापसी हो सकती है। सिर्फ इकलौता पॉइंट। बीच पे पहुंच गया है 10-20 का स्कोर, यानी फिर से फासला 10 का। सुपर टेकल का जो संगठन उसे बाहर आ गया और यहां बड़ी रेड, एक नहीं दो शिकार किए एक तीर से। पसीने में भीगी हुई बालिकाएं इस वक्त तर बतर और निश्चित रूप से खेल जगत में अपना इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ रही हैं। रेड आउट, समय बीत चुका था। 23-10 यानी अब 13 अंक की लीड हो चुकी है। बैक किक किया और ये कमजोरी सोनीपत की, सुशोभित नहीं लग रही होगी सोनीपत के नजरिए से।
लेकिन हिसार का दबदबा कायम। 24 पे पहुंचता हुआ हिसार 14 की लीड अब पहले हाफ में। और ये देखिए बहुत बेहतरीन कैच किया है सुपर टेकल में अब सोनीपत। देखते हैं दोनों ओल, जी हाँ ऑल आउट होगा सोनीपत यहाँ। ऑल आउट के साथ ही बड़ी बढ़त पे इस वक्त हिसार, और अब वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। सेव दिन के साथ 10 नंबर जर्सी में चले हैं एक अंक जरूर। बड़ा खेल चाहिए सोनीपत, अभी मैच में वापस आ सकता है। बोनस का बेहतरीन ट्राई, मगर क्लियर नहीं था इसलिए सेफ ही वापस। समा बिताकर दबाव है, लगातार मेहनत कर रही है 10 नंबर की जर्सी में ये बालिका सोनीपत की, और कई अवसर पे पॉइंट या बोनस लेकर आई है, और यहाँ बोनस का मिल गया फायदा। ये बहुत ही शानदार सेवा के लिए परिवर्तन के तौर पे टिम्पल, और अंतिम 5 मिनट की घोषणा हो चुकी है रेफरी के द्वारा। 28 और 22 का स्कोर है, 6 अंक प्रति मिनट अब भी जीत के पास है। टच पॉइंट इधर से भी अर्जित किया, फिर वही बालिका, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है लेकिन लक्ष्य से पहले रोकने में कामयाब। 31-13 का स्कोर, यानी 13 को उल्टा करेंगे तो 31 दिखाई देगा। और वह इशार, और अब 32वां पॉइंट जोड़ दीजिए इशार को। जी हाँ 32-13, यानी 19 अंकों की विशाल लीड, जीत लग बगता है, समय ज्यादा नहीं अब। विशाल लीड, और अब अंतिम 5 मिनट का खेल महज और औपचारिकता इस मैच में। 4 के डिफेंस में सेफ ओवर, तेजी से आगे बढ़े हैं, समय का दबाव दिखने लगा, 19 अंक पीछे हिसार के साथ ही सोनीपत बाहर हो जाएगा नॉकआउट। लेकिन हिसार लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए आगे आ रहा है। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, समय बिताने का प्रयास सिर्फ, जोखिम उठाने की आवश्यकता भी नहीं। और यहां टॉयज पॉइंट लेने में कामयाब, 33-13 ईशा की विशाल लीड। हिसार की हरियाली में जीत की रौनक नजर आएगी अब, और ये बड़ी रेड 2 अंक लेकर 15-33-18 अंक की बड़ी विशाल अटूट बढ़त है, जो कि अब उसे काटना नामुमकिन, अप्रत्याशित। थाई होल्ड की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गई बोनस के साथ 2 पॉइंट, यानी 35-15 का स्कोर। इसके साथ ही समय समाप्त, और यहां 35-15 यानी 20 पॉइंट के अंतर से हिसार ने सोनीपत को पराजित करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है, लगातार दूसरी जीत यहां हिसार की। कांग्रेचुलेशंस हिसार।